नेपच्यून हमारे सौरमंडल का आखिरी ग्रह, जहां से शुरुआत होती है काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स की डोमिनेंस की, एक स्याह घने काले अंतरिक्ष के उस हिस्से की जहां पर सूरज की रोशनी तक पहुंचने में घंटों का समय ले लेती है। बेहद ठंडा ये इलाका घर है कुछ ऐसी रहस्यमय ऑब्जेक्ट्स का जो काइपर बेल्ट में घूमती रहती हैं, हमारी आंखों से अरबों किलोमीटर दूर। लेकिन इन्हीं में से एक जाना पहचाना नाम प्लूटो भी है, जो उस अंधकार भरी दुनिया में भटक रहा है। प्लूटो ने हमेशा से ही एस्ट्रोनॉमर्स का ध्यान अपनी ओर खींचा है, और इंसान भी इतना क्यूरियस है कि अपने सवालों की खोज के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। क्या हम इस पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी अकेले ही इस ब्रह्मांड में तैर रहे हैं? क्या कहीं और जीवन नहीं है? इन सवालों ने हमेशा से ही इंसानों को विवश किया है कि वो पृथ्वी के बाहर जीवन की तलाश करे। असंभव जगहों पर भी जीवन की खोज करने में हम इंसान कभी पीछे नहीं रहे। प्लूटो पर भी जीवन की खोज हमें बहुत कुछ सिखा कर गई है, और आगे भी हम ऐसे ही सीखते रहेंगे। लेकिन इस खोज ने वैज्ञानिकों को हैरान बहुत किया। नासा ने प्लूटो को स्टडी करने के लिए न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया, और सन 2015 में ये प्लूटो के पास से होकर गुजरा। तब नासा ने प्लूटो से जो एविडेंसेस इकट्ठा किए वो सबके लिए हैरान करने वाले थे। सबूत कह रहे थे कि प्लूटो पर जीवन संभव है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? एक छोटा सा ग्रह अंधकारमय अंतरिक्ष में तैरता जीवन को आखिर कैसे संभाल सकता है? साथ ही ये बात भी हजम नहीं हो रही थी कि प्लूटो यूरोपा और टाइटन तक को टक्कर दे सकता है। तो आखिर न्यू होराइजन ने अपने डेटा में ऐसा क्या भेजा था जिसने हम सबका प्लूटो को देखने का नजरिया पूरी तरीके से बदल कर रख दिया? तो चलिए दोस्तों, आज चलते हैं प्लूटो के एक अनोखे सफर पर, जहां पर आप प्लूटो पर जीवन की संभावनाओं को तलाशते हुए रोमांच का अनुभव करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्यूमेंट्री लाइब्रेरी की दुनिया में। मैं हूं आपका दोस्त शशि। तो सफर पर हम निकल चुके हैं, और प्लूटो हमें किसी एक्टिव वर्ल्ड के जैसा दिखाई देता है। यहाँ पर पहाड़ हैं, दर्रे हैं, घाटियां हैं, ग्लेशियर हैं, जहां पर नाइट्रोजन के महासागर जमे हुए हैं। एक हल्का पतला और धुंध से भरा हुआ वातावरण है। लेकिन ये देखकर कह पाना मुश्किल है कि क्या वाकई में प्लूटो जीवन के लायक है। वैसे देखने से प्लूटो किसी भी तरह से जीवन के लायक नहीं लगता। यहाँ पर दम घोटू कार्बन मोनोऑक्साइड और जानलेवा -240 डिग्री का तापमान किसी को भी खत्म कर सकता है। लेकिन अगर वैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो किसी भी वातावरण की हैबिटेबिलिटी इन तीन चीजों से आंकी जाती है। पहला एनर्जी, दूसरा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और तीसरा लिक्विड वाटर, जी हाँ तरल पानी। जहां तक हम प्लूटो को जान पाए हैं, तो बिना किसी शक के हम ये कह सकते हैं कि प्लूटो के पास एक एनर्जी सोर्स है। और एस्ट्रोनॉमर्स तो ये बात न्यू होराइजन मिशन से पहले भी जानते थे कि प्लूटो का 2/3 भाग सॉलिड रॉक से बना हुआ है और 1/3 भाग बर्फ से बना है। बिल्कुल हमारी पृथ्वी की तरह इसकी रॉक्स में होने वाला रेडियो एक्टिव डिके जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर हीट को रिलीज करता आया है, और यही हीट सोर्स प्लूटो का डोमिनेंट एनर्जी सोर्स है। ये प्लूटो को इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर देता है कि प्लूटो के इंटीरियर में मौजूद रॉक्स को ये गर्म करके उनके मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचा देता है। इसके अलावा प्लूटो पर हीट का दूसरा सोर्स है ग्रेविटेशनल एनर्जी। ये कम है, लेकिन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट कंट्रीब्यूट कर देता है इंटरनल हीटिंग में। वैज्ञानिक नहीं जानते कि ये रेडियो एक्टिव डिके प्लूटो के अंदर मौजूद वाटर और रॉक्स में किस तरह की केमिकल रिएक्शंस को डिराइव कर रहा है या नहीं भी कर रहा, जैसा कि हमें धरती के मिड ओशन रिजेस में देखने को मिल जाता है। लेकिन ये पूरी तरह से क्लियर है कि प्लूटो के पास एक एनर्जी सोर्स है। वहीं हैबिटेबिलिटी के लिए दूसरी चीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को देखा जाए तो प्लूटो पर ये भी मौजूद है। इसके एटमॉस्फेयर में करीब 0.3% मेथेन है, और इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट, न्यू होराइजन ने खोजा कि सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ये मिथेन मॉलिक्यूल्स दूसरे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स में स्प्लिट हो रहे हैं, जैसे कि एसिटिलीन, इथाइलीन और इथीन। मिथेन तो प्लूटो की सतह पर भी देखी जा सकती है। ये जो रेडिश मटेरियल आपको इसकी सतह पर जमा हुआ दिखाई दे रहा है, ये इसी हाइड्रोकार्बन की धुंध के पार्टिकल्स हैं जो इसके एटमॉस्फेयर से नीचे सेटल डाउन हो गए हैं। इसीलिए प्लूटो की सतह पर कम से कम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स तो मौजूद हैं ही, जो जीवन को एक दिशा दे सकते हैं, जीवन के पनपने की एक वजह बन सकते हैं। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि यहाँ पर कोई ऐसा मैकेनिज्म भी एग्जिस्ट करता है जिससे कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इसके नीचे बने बड़े बड़े महासागरों तक पहुँच सके,
जहां जीवन पनपने के बाकी संसाधन भी मौजूद होंगे। एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा कॉमेट्स पर की गई स्टडीज ने दिखाया कि आउटर सोलर सिस्टम की ऑब्जेक्ट्स में भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिल जाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमें प्लूटो पर देखने को मिले हैं। इसके बाद हैबिटेबिलिटी तक पहुंचने के लिए प्लूटो को लास्ट हर्डल यानी कि लिक्विड वाटर की प्रेजेंस को क्लियर करना होगा। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि प्लूटो के अंदर रेडियोएक्टिव डेके एक अच्छी खासी मात्रा में एनर्जी रिलीज करता है और जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर आज तक ये इतनी एनर्जी रिलीज कर चुका है कि प्लूटो पर जमी बर्फ कई बार पिघल सकती है। न्यू होराइजन मिशन से पहले ही एस्ट्रोनॉमर्स ये जानते थे कि प्लूटो की सब सरफेस में लिक्विड ओशन मौजूद हो सकते हैं, ठीक इसकी थिक आइस शेल के नीचे। हालांकि इस बात पर कोई एश्योरेंस नहीं है कि प्लूटो की अंदरूनी सतह में कोई ऐसा महासागर एग्जिस्ट भी करता है, क्योंकि कई वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इंसुलेटिंग आइस शेल से धीरे धीरे कन्वेक्शन के जरिए हीट ट्रांसफर हो रही है, जैसे कि पृथ्वी के सिलिकेट मेंटल से होती है। ये कन्वेक्टिंग शेल इंटीरियर से बहुत तेजी से हीट को रिमूव करती है, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि कभी प्लूटो की सतह के नीचे महासागर बन ही ना पाए हों। इसीलिए ये थ्योरी अकेली ये नहीं बताती है कि प्लूटो पर वाकई में ओशंस मौजूद हैं भी या नहीं। ये जानने के लिए हमें स्पेसक्राफ्ट ऑब्जर्वेशंस की जरूरत पड़ सकती है। तो क्या वाकई में प्लूटो पर समुद्र मौजूद हैं? हमारे पास 3 ऐसे लाइन ऑफ एविडेंसेस मौजूद हैं जो कि प्लूटो की सब सरफेस में ओशन होने की पॉसिबिलिटी की तरफ इशारा करती हैं। पहला एविडेंस आता है ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो की सब सरफेस जियोलॉजी के ऑब्जर्वेशन से। प्लूटो की सरफेस को क्लोजली ऑब्जर्व करने से हमें पता चला कि इसकी सतह में बहुत बड़े बड़े क्रैक्स और दरारें थी जिन्होंने इसकी सतह को कुरेद रखा है। ये फॉल्ट्स जिनमें से कुछ तो पुराने इम्पैक्ट क्रेटर के बीच से होते हुए इसकी सतह की गहराई तक जाती हैं, जिससे पता चलता है कि प्लूटो पर एक ग्लोबल एक्सपेंशन हुई है इसके इंटीरियर में। पूरे ग्रह पर इस तरह की एक्सपेंशन का एक ही कारण हो सकता है, इसके सब सरफेस ओशंस का जम जाना। ये तो हम जानते हैं कि जब पानी जमता है तो वो सॉलिड बर्फ के रूप में जमता है। वाटर के मॉलिक्यूल्स एक पैटर्न में अलाइन हो जाती हैं और उस पानी का वॉल्यूम जमने के बाद बढ़ जाता है। ठीक इसी तरह से हो सकता है कि प्लूटो के अंदर मौजूद पानी का ओशन जम गया हो और नतीजतन इसका वॉल्यूम बढ़ गया होगा, जिसने इसकी सतह को बाहर की ओर पुश किया होगा और प्लूटो की सतह पर क्रैक्स आ गए होंगे। इस जमी हुई बर्फ ने फिर अपने नीचे मौजूद पानी पर भी प्रेशर डालना शुरू किया होगा और फिर बाद में वो प्रेशर एक लिमिट से ज्यादा हो गया होगा और वो इरप्ट होकर प्लूटो की सतह पर आने लगा, जिसे वैज्ञानिक क्रायो वॉल्केनिज्म कहते हैं। शनि ग्रह के चांद एनसेलेडस पर भी एक्टिव क्रायो वॉल्केनिक इरप्शंस देखे जा सकते हैं, लेकिन प्लूटो पर इसके सबूत भी हमें कम ही नजर आ रहे हैं। दो बड़े लार्ज स्ट्रक्चर के बीच में एक रहस्यमयी गहरा गड्ढा, ऊपर की ओर निकले उसके किनारे, वो एक क्रायो वॉल्केनो हो सकता है। लेकिन न्यू होराइजन टीम को कन्विंस करने के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं था। और फिर सतह की दरारों और आसपास के इलाके में अजीब से रंग का मिलना और उसकी कंपोजिशन, ये कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है कि वो मटेरियल प्लूटो के इंटीरियर से ही आया है। और फिर से इस इंटरप्रिटेशन को भी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जियोलॉजिकल एविडेंसेस का कोई एक स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है। इसके साथ ही फ्रैक्चरिंग और क्रायो वॉल्केनोज, ये दोनों उस चीज से कंसिस्टेंट नहीं है जैसा कि वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि प्लूटो के नीचे एक ओशन था और वो धीरे धीरे जम गया। ये चीजें ज्यादा मेल नहीं खाती हैं। दूसरा लाइन ऑफ एविडेंस प्लूटो का एक ऐसा फीचर है जो प्लूटो के पास है ही नहीं, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि प्लूटो के पास ये होना चाहिए और ये वाकई में वैज्ञानिकों को हैरान करता है। जब कोई दो बॉडीज जैसे कि अर्थ मून या फिर सैटर्न और उसका मून आयप्टस, जब मून्स किसी प्लैनेट को ऑर्बिट करते हैं तो ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन की वजह से उनके इक्वेटर्स पोल्स की अपेक्षा ज्यादा बाहर निकले हुए दिखाई देते हैं। इसे बल्जिंग भी कहा जाता है। ये इक्वेटर बल्ज तब बनती हैं जब इतिहास में कभी चांद तेजी से घूमा करता था और वो बल्जिंग धीरे धीरे समय के साथ परमानेंट होती चली जाती है। ये सैटर्न के मून आयप्टस के साथ भी है और ऐसी हर एक बॉडी में देखने को मिल जाती है जो ज्यादा तेज घूमती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि प्लूटो पर भी एक ऐसा इक्वेटोरियल बल्ज होना चाहिए, क्योंकि प्लूटो शुरुआती समय में काफी तेज घूमता होगा, लेकिन शेरन ने धीरे धीरे प्लूटो की गति को कम किया होगा, तो वो बल्ज जो इन दोनों के घूमने से प्लूटो पर आया होगा वो प्लूटो पर होना चाहिए। लेकिन न्यू होराइजन ने ऐसा कोई भी बल्ज प्लूटो पर डिटेक्ट नहीं किया है, तो वैज्ञानिकों को लगता है कि ऐसा तभी पॉसिबल है जब प्लूटो की सतह के नीचे एक सब सरफेस ओशन का निर्माण हो गया हो। इसकी सतह पर आइस शेल
उस बल्ज को सहने के लिए काफी नहीं थी और वो कलैप्स हो गई होगी। और यही पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है कि प्लूटो की गहराइयों में कोई महासागर मौजूद है। प्लूटो पर ओशन की मौजूदगी का लास्ट लाइन ऑफ एविडेंस सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और सबसे ज्यादा अजीबोगरीब भी। ये शुरू होता है प्लूटो की सतह पर मौजूद सबसे बड़े ब्राइट बेसिन स्पुटनिक प्लैनेटिया से। ये पूरा बेसिन वाला इलाका इतना ब्राइट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जमी हुई है नाइट्रोजन आइस जो इस पूरे बेसिन को फिल करती है। ये आइस आती है नाइट्रोजन ग्लेशियर से, जहाँ से बहकर ये बर्फ आसपास के इलाकों में फैल जाती है। स्पुटनिक प्लैनेटिया को लेकर एक और अमेजिंग फैक्ट जुड़ा हुआ है इसकी लोकेशन को लेकर। ये रीजन बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है प्लूटो की उस साइड से जो हमेशा इसके चांद शैरन की तरफ रहती है। आपको बता दें कि प्लूटो और शैरन एक दूसरे से टाइडली लॉक्ड हैं, इसीलिए इनका एक ही फेस एक दूसरे की तरफ रहता है। तो ऐसे में अगर हम कोई एक्स्ट्रा मास उस प्लैनेट पर ऐड कर देते हैं, जैसे कि कोई बड़ी माउंटेन, तो प्लूटो कुछ इस तरह से घूम जाएगा जब तक कि वो एक्स्ट्रा मास स्पुटनिक प्लैनेटिया तक ना पहुंच जाए। वैज्ञानिक इस प्रोसेस को ट्रू पोलर वर्डर और TPW कहते हैं। TPW की वजह से ही प्लूटो की सरफेस डिस्टॉर्ट हो जाती है जब कोई एक्स्ट्रा मास इसमें ऐड कर दिया जाता है, और इस वजह से प्लूटो की सरफेस में एक्सपेंशन और फ्रैक्चर और इसके अलावा भी कई तरह के फीचर्स देखने को मिल जाती हैं। वैज्ञानिकों के लिए स्पुटनिक प्लैनेटिया की लोकेशन एकदम परफेक्ट सेंस बनाती है अगर ये एक एक्स्ट्रा मास की तरह बिहेव करे तो। लेकिन अब सवाल यह है कि ये बेसिन एक्स्ट्रा मास की तरह कैसे बिहेव कर सकता है? आफ्टर ऑल ये तो प्लूटो की सरफेस में एक गड्ढे जैसा है। तो इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से हो सकता है कि जैसे ही ग्लेशियर से नाइट्रोजन आइस बहकर इस गड्ढे में भर जाती है, तो ये वाटर आइस से थोड़ी ज्यादा डेंस हो जाती है और कुछ इस तरह से ये बेसिन एक्स्ट्रा मास में कुछ कंट्रीब्यूशन करता है। लेकिन आइस का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। एक और एक्सप्लेनेशन ये है कि इसके नीचे मौजूद वाटर आइस का भंडार, जब इसकी सरफेस के नीचे से वाटर आइस पिघल गई, इसके नीचे आइस शेल पतली हो गई और पिघल कर वो लिक्विड वाटर में बदल गई, तो उस वाटर ने एक्सेस मास की तरह काम किया। अगर हम नाइट्रोजन और थिन आइस शेल को कंबाइन कर दें, तो ये एक्सेस मास इतना कैपेबल है कि ये TPW प्रोड्यूस कर पाए। तो ये एक्सप्लेनेशन भी प्लूटो के अंदर वाटर ओशन की तरफ इशारा करती है। सो न्यू होराइजंस ने 3 लाइन ऑफ एविडेंसेस प्रोवाइड किए हैं कि प्लूटो पर सब सरफेस ओशन हो सकते हैं। नंबर 1, सरफेस फ्रैक्चर्स और पॉसिबल क्रायो वोल्केनोस। नंबर 2, एब्सेंस ऑफ इक्वेटोरियल बल्ज। नंबर 3, स्पुटनिक प्लैनेटिया रिप्रेजेंट्स एक्सेस मास। हालांकि इसमें से कोई भी लाइन ऑफ एविडेंस बुलेट प्रूफ नहीं है, लेकिन अगर इन सब को मिलाकर देखा जाए तो पॉसिबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है कि प्लूटो पर भी वाटर ओशंस हो सकती हैं। वहां पर घट रही घटनाएं, वहां की परिस्थितियां इसके फेवर में है कि वहां पर जरूर कोई वाटर ओशन है। प्लूटो पर हैबिटेबिलिटी प्रूफ करने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए थी। पहला एनर्जी सोर्स जो कि प्लूटो के पास है, दूसरा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिसका प्लूटो पर भंडार पड़ा है, और तीसरा पानी जिसकी खोज अभी किसी अंजाम तक नहीं पहुंच पाई है। तो एग्जैक्टली प्लूटो पर हम वाटर ओशंस को कंफर्म कैसे करेंगे, क्योंकि ये आखिरी कड़ी है प्लूटो पर हैबिटेबिलिटी को प्रूफ करने की। पिछले 2 दशकों से वैज्ञानिक आइस बॉडीज पर सब सरफेस ओशंस को ढूंढने के लिए कई टेक्निक्स का यूज करते आ रही हैं, लेकिन बैड लक कि इनमें से हम जो 2 बेस्ट टेक्निक्स यूज करते हैं उनको हम प्लूटो पर यूज नहीं कर सकते। पहली टेक्निक में हमें बैकग्राउंड मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगा, जिसकी वजह से बॉडी के साल्टी वाटर ओशन में करंट्स इंड्यूस हों, और फिर वैज्ञानिक इस इंड्यूस्ड करंट से बनने वाले सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करके सब सरफेस ओशन को कन्फर्म कर सकते हैं। ये टेक्निक जुपिटर और इसके मून्स पर बहुत अच्छे तरीके से काम करती है, लेकिन प्लूटो के केस में यहाँ पर कोई बड़ी बैकग्राउंड मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जो इस तरह के सिग्नल्स को प्रोड्यूस कर सके। दूसरी टेक्निक है बॉडी पर बनने वाली टाइड्स के साइज को मापना। टाइड्स जितनी बड़ी होंगी वहाँ पर वाटर ओशन होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे, लेकिन यहाँ पर भी प्लूटो और शैरन हमेशा एक ही फेस एक दूसरे की तरफ रखती हैं, जिससे कोई भी इफेक्टिव टाइड्स प्रोड्यूस नहीं होती हैं। तो ये दोनों मेथड प्लूटो पर काम नहीं करते, जिसकी वजह से प्लूटो पर ओशन होने की पुष्टि कर पाना एक टेढ़ी खीर है। और अभी के लिए प्लूटो पर पानी की खोज एक रहस्य बनी हुई है। तो अब सवाल है कि आखिर प्लूटो कितना हैबिटेबल है, क्या हम यहाँ पर जीवन की उम्मीद कर सकते हैं? तो देखिए, प्लूटो अरबों किलोमीटर दूर स्याह अंधकार में घूमता एक छोटा सा प्लेनेट है। हालांकि इसका इंटीरियर गर्म है, इस पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी पाई जाती हैं, और लाइन ऑफ एविडेंसेस इस पर सब सरफेस ओशन होने की
संभावना भी जताती हैं। इससे तो हमें लगता है कि ये छोटी सी दुनिया हैबिटेबिलिटी की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को तो पूरा करती है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि प्लूटो एकदम जन्नत है जीवन के पनपने के लिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम नहीं जानते कि ये तीनों चीजें एनर्जी, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और वाटर आपस में कितना इंटरैक्ट कर पाती हैं। हालांकि ये हो सकता है कि रॉकी कोर सही तरीके से अपने ऊपर के वाटर ओशन को हीट पहुंचा पाती हो, पर फिर भी हम पक्के तौर पर ये नहीं जानते कि ऐसा सच में होता है। और अगर प्लूटो पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सिर्फ एटमॉस्फेयर में ही पाई जाती हैं, तो प्लूटो को ऐसा मैकेनिज्म चाहिए होगा कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इसके इंटीरियर में जा सकें, जिससे लाइफ अपने पहले स्वरूप की शुरुआत कर सके। लेकिन हमारे एविडेंसेस बताते हैं कि प्लूटो की शेल कोल्ड और रिजिड है, और शायद ही कोई ऐसा मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता होगा जिससे कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इसके सब सरफेस ओशन में जा सकें। यानी कि प्लूटो पर इंग्रेडिएंट्स तो सब हैं, लेकिन आइसोलेटेड होने की वजह से शायद वहां लाइफ और हैबिटेबिलिटी पर एक तलवार लटक रही है। और यही वजह है कि प्लूटो हमारे लिए यूरोपा और एनसेलेडस जितना टेम्पटिंग टारगेट नहीं है, जहां पर आइस शेल्स मूविंग और थिन है। लेकिन वहीं पर प्लूटो दूसरे बड़े चांद जैसे कि गैनीमेड और टाइटन से बेहतर ऑप्शन हो सकता है, जहां पर थिक और हाई प्रेशर आइस लेयर्स ओशन और हीट सोर्स का कनेक्शन तोड़ देती हैं। प्लूटो इतनी ज्यादा हीट जनरेट करता है कि वो अरबों सालों तक सब सरफेस ओशंस को कंफर्टेबली सस्टेन कर सकता है। पर हमें प्लूटो पर जीवन की मौजूदगी कंफर्म करने के लिए और मिशंस भेजने होंगे। और ये भी ध्यान रखना होगा कि प्लूटो हमारे सौरमंडल और काइपर बेल्ट के बीच की चाबी है। ये हमारे लिए आगे के सौरमंडल को एक्सप्लोर करने का एक नया आयाम दे सकता है। लेकिन साथ ही प्लूटो यूनिक नहीं है, दूसरी काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स पर भी ऐसे सब सरफेस ओशंस होने की संभावना बहुत ज्यादा है। हमारा बाहरी सौरमंडल उतना भी भयानक नहीं है जितना कि हम कल्पना कर लेते हैं, लेकिन वहां के रहस्यों को सुलझाना इतना आसान भी नहीं है। दोस्तों, प्लूटो पर जीवन खोजने के इस सफर में हमें उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। दोस्तों, जीवन को लेकर आपकी राय क्या है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।